उनको भाग्य की कहानी की तमाम डिटेल्स आप तक तो पहुंचा देते हैं। तो बता दें कि कैसे रोजी आई की और आशुतोष के चेहरे पर से मुखौटा उठाए की, जहां आशुतोष सच को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देगा और कह देगा कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी आरवी कहेगा कि तू नहीं मानेगा तो मैं सबके सामने सबूत लाकर बताऊंगा। तभी रोजी आई की और आशुतोष का वॉलेट दिखाकर ये कहेगी कि तुम ड्रेसिंग रूम में इसे भूल गए थे, जहां रोजी सबके सामने सारा सच ला देगी और इसी बात पर आशुतोष और आरवी की लड़ाई भी होने वाली है। पहले इन सब में आपको ये भी बता दें कि पूर्वी और आरवी की किस्मत एक दूसरे से टकराएगी। आरवी पूर्वी से शादी करेगा लेकिन शादी के बाद जो खुलासा होगा वो पैरों तले जमीन को खिसका कर देगा, क्योंकि जिससे शादी आरवी की होने वाली थी, जो आप फ्लैशबैक में देख रहे थे, उसकी एंट्री होने वाली है और वो पूर्वी की जिंदगी में तहलका मचाती हुई नजर आएगी। जहाँ जिस तरीके से आरवी शॉक्ड होगा इस लड़की को देखकर, उसी तरीके से सभी लोग हैरान भी हो जाएंगे। कल आपको बता दें कि वो लड़की आने वाली है कहानी में नजर, जो कि आरवी की पत्नी बनने वाली थी, आरवी की इससे शादी होने वाली थी। लेकिन शादी के दिन बड़ा हादसा हो गया था, आरवी को सलाखों के बीच में पहुंचाया गया था, वही लड़की आने वाली है। अब ऐसे में क्या होगा जब इस लड़की की, जो आरवी की पत्नी बनकर आएगी कहानी में, पूर्वी को किस तरीके से सदमा देगी? चाहे एक शादी टूटने के बाद क्या इस दूसरी शादी में भी वो बंद के रह जाएगी, जो कि धोखे से शुरू होगी और धोखे पर ही खत्म होगी। आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।